सकते हैं उनको आगे लड़ना होगा। सरकार की ध्यान कर लेना, कांग्रेस का राज आए चाहे बीजेपी का राज आए, सबके वित्त मंत्री की निगाह बानिया की थैलिया पर होती है, जैन की नहीं बानिया की थैली पर होती है। इसकी थैली का पैसा कौन सा टैक्स लगा करके हम निकाल सके। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि कोई दल आपका समर्थक है, सब आपकी जेब पर निगाह है उनकी। आपको तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा दल हमारा कम से कम नुकसान करेगा, फायदा कौन कराएगा आपको, नुकसान कम से कम कौन करेगा, इस बात को देकर के ये भी तय करना पड़ेगा। और आज प्रतिज्ञा लेकर के जाना पड़ेगी कि झाड़ू लगाने वाले का भी चुनाव हो तो वोट डालने हमें जाना चाहिए। जैन समाज के 90% लोग वोट डालने नहीं जाते, अगर अल्पसंख्यकों का सम्मेलन होता है वोट डालने जाते हैं। मुस्लिम बाढ़ में जाए तो सवेरे 6 बजे से लाइन लग जाती है, और हम संपन्न लोग वोटें डालने नहीं जाते। हमें क्या करना भैया, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, कौन दिला दे भाई साहब। अगर झाड़ू लगाने वाला सही नहीं होगा तो आपके दरवाजे झाड़ू नहीं लगेगी, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं होगी। इसलिए मेरे ब्रह्म प्रार्थना है, ब्रह्म निवेदन है, इन बातों पर विचार करें, सोचें। मैं तो क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि मैंने किसी के प्रति कोई गलती की नहीं है, और आपसे क्षमा इसलिए मांग रहा हूं, आपको क्षमा करता हूं, मानता हूं, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, गलती होने का स्वभाव है। लेकिन फिर भी अगर गलती हो गई है, कोई कड़वा बोलने से गलती हुई है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कड़वी दवा पीना खाना जरूर, और एक प्रतिज्ञा जरूर यहाँ से करके जाना, मैं अंतिम बात कहूंगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी हमें गैस लेवल की है, गैस की बीमारी है। और क्यों है, इसलिए हम उल्टा खाते हैं। चाय जहर नंबर एक है, सबको मालूम है कि भूख मारती है चाय, चाय ज्यादा पियोगे तो खून कम बनेगा, खाना कम खाओगे, इसलिए जहर नंबर एक चाय। जहर नंबर दो लाल मिर्ची जितनी खाएंगे आंत आपकी पचेगी, ये सुस्त हो जाती है, जीभ सुस्त हो जाती है, इसलिए लाल मिर्च जहर नंबर दो। शक्कर नंबर तीन, क्योंकि शक्कर फास्फोरस से साफ की जाती है, हड्डी के चूर से साफ की जाती है, और जब शक्कर खाओगे उसमें सड़ने की आदत है, वो सड़ेगी तो गैस बनेगी। और जहर नंबर चार तम्बाकू, जहर नंबर पांच शराब, पांच में से अगर कोई एक छोड़ सके तो सरकारी दवा भी बचेगी, घर का पैसा भी बचेगा, और क्षमा मांगने से भी बचोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय जैन। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर जैन जी द्वारा। ने मैं निवेदन करूंगा श्री सुधीर कुमार जैन जी से, सुरेंद्र गुप्ता जी का तिलक द्वारा स्वागत करें। और अभी आप बीच में प्रोग्राम है, श्यादवा परिवार के विभिन्न स्थानों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता आए हुए, पारिश्नाथ भगवान की, महावीर भगवान की। ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत थक चुके हैं और घर जाने के लिए कम से कम प्रभु का नाम तो जोर से लेना चाहिए, प्रभु के नाम में कंजूसी नहीं होना चाहिए। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, बोली देवाद्य पारिश्नाथ भगवान की, पारिश्नाथ भगवान की। अभी भी आपकी जयकारा में जोश नहीं है, जोर से जयकारा लगाएंगे, बोली देवाद्य पारिश्नाथ भगवान की। अभी भी आप जोर से नहीं बोले, नीचे हाथ किसके होते हैं मालूम है, जिसे नीचे अधोगति में जाना हो, किस किस को अधोगति में जाना उनके हाथ नीचे होंगे, पर प्रभु का नाम लेकर के दोनों हाथ ऊपर करके यदि आप
वैश्य सुंदरी की प्राप्ति करने है तो ऊपर दोनों हाथ ऊपर सीधे करके जयकारा लगाएंगे उन्हें देवता बारिश अपनी गति से बढ़ रहा है। आज क्षमा वाणी पर्व मनाने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। वास्तव में चिंतन का विषय है कि क्षमा शब्द क्या है, हम क्षमा कहते किसे हैं, क्षमा का अर्थ क्या है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, बातें बंद कर दे। क्षमा का अर्थ क्या है ये हमें चिंतन करना है। आज हम लोग क्षमा क्षमा तो कहते रहते हैं, केवल हमारी क्षमा वाणी तक रह गई है। एक साधु के पास एक राजा आया और राजा ने आकर के साधु से कहा कि मेरे अंदर बहुत क्रोध है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जब राजा ने कहा तो साधु कहने लगा कि मैं अलभिक्षा वृत्ति करने के लिए आपके द्वार पर आऊंगा, उस समय आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और वह साधु राजा के द्वार पर पहुंचा। राजा के द्वार पर जब पहुंचा तो कटोरे में गंगी थी, कटोरा गंदा था और उस कटोरे को गंदा देख करके राजा ने उसके अंदर भिक्षा का सामान जो भी उसने बनाया था बनवाया था वह नहीं डाला। और जब नहीं डाला तो साधु ने पूछा क्या बात है। बोले आपका कटोरा गंदा है इसलिए नहीं डाला। बोले उसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो कषाय भरी हुई है, जब तक कषाय दूर नहीं होगी तब तक हमारे अंदर क्षमा होते गुण नहीं आ सकता। तो वास्तव में बंधु आज इस क्षमा वाणी पर्व पर विश्व मैत्री दिवस पर आज हम देखते हमारी क्षमा कागजों में पहुंच गई है। 1 रुपए के कार्ड में हमारी क्षमा पहुंच गई है। हम यहां तक कि कार्ड बाजार से खरीदते हैं और कार्ड को डाल देते हैं। और ज्यादा अपने पास का व्यक्ति होता है तो मोबाइल फोन किया और मोबाइल से कह दिया भाई क्षमा करना। क्यों? क्योंकि वहां भी समीप का व्यक्ति है, पता नहीं किस समय काम कर जाए उस व्यक्ति से, क्योंकि वहां भी हमारा स्वार्थ जुड़ा है। परंतु भगवान महावीर के हम लोग सपूत हैं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भगवान महावीर के सपूत हैं। और चिंतन का विषय है कि हम कह रहे हैं कि हम सकूत हैं और हम भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चल रहे कि नहीं चल रहे। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का उपदेश दिया है, अहिंसा कर्म धर्म का उपदेश दिया है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हम भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग से विपरीत चल रहे हैं। सुबह आचरसी से गुवारा जी बात कर रहे थे कि मैं उस घर में भोजन नहीं करता जहां पर ये दहेज प्रथा की बात होती है, जहां से दहेज लिया जाता है। मन में चिंतन जागृत हुआ कि ये क्यों हो रहा है, ये बढ़ती हुई दहेज प्रथा
बताए हुए मार्ग पर हमें ले जा रहे हैं, उसका परिणाम प्राप्त कर रहा है कि आज हम देखते हैं कि यदि पता चल जाता है किसी माता की गर्भ में कन्या आ गई है तो पता चलते हैं उसे जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु। क्यों? क्योंकि मालूम है कि यह दहेज पिता को दे रही है। आचार्य श्री ने अपने एक करोड़ कहानी पुस्तक लिखी हुई है, उसमें कहा भी है, पहले लगी आ गई होती, पहले लगी आ गई होती, खर्चों में अब कमी करे और जोर जोर कर रुपया पैसा लाकर में बैलेंस करे, लाकर में बैलेंस करे। यह नीति हमारी बन चुकी है। और एक दहेज की मारी कन्या क्या कहती है, रखी छुरी के दम पर बैठी, रखी छुरी जो लालों को बेचा करते हो, लालों को बेचा करते हो, लालों को बेचा करते हो। बच्चों, आप क्षमा वाणी कर केवल इतना ही संकल्प करना, क्योंकि हम लोग यहां बैठकर के तो क्षमा वाणी पर मना रहे हैं। आज हमें क्षमा किससे मांगनी है? उस गर्भी जी ने क्या बिगाड़ा हमारा, जिसने जन्म ही नहीं लिया और जन्म लेने से पहले उसको मौत की घाट उतार दिया। आज हमें क्षमा, ठीक है भैया, ठीक है। खैर बंधुओं, समय अपनी गति से बढ़ रहा है और आचार्य श्री ने भी अभी बहुत सी बातें आपको बताई महामृत्युंजय विधान की और तिजारा पद यात्रा की। तो आचार्य श्री का जन्म जयंती समारोह अभी 9 नवंबर को मॉडल टाउन में मनाया जाएगा और उसमें आप लोग, और मालूम है कौन सा जन्म जयंती, 59वां जन्म जयंती समारोह, तो इसमें कम से कम इस पद यात्रा में कितने लोग होना चाहिए? 500, 5000, 5900 लोग कम से कम इस पद यात्रा में आपके जाना चाहिए। ये मॉडल टाउन और अन्य जैन समाज से प्रार्थना ही है, क्योंकि यदि प्रत्येक कॉलोनी से एक बस का भी व्यक्ति चला गया तो 5900 आदमी सहज में हो जाएगा। ये यहाँ जहां जहां के कार्यकर्ता व्यक्ति है वे संकल्प कर ले कि कम से कम एक बस, प्रत्येक जगह से एक बस का व्यक्ति इस परियात्रा में जाएगा। और अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव में भी आचार्य श्री के उससे पुनर्दीप की स्थापना होने जा रही है और उसमें भी आप लोग कम से कम, क्योंकि समय बहुत कम है और टाइम भी बहुत हो गया है, इस तिलोकपीठ के उसमें भी आप लोग आचार्य श्री की जन्म जयंती पर कम से कम ये संकल्प कर ले 59वीं जन्म जयंती पर कि 5900 सदस्य तिलोकपीठ के लिए हम लोग बनाएंगे और तिलोकपीठ को आगे बढ़ाएंगे। बोले महावीर भगवान की जय, भगवान की जय। आचार्य श्री के चरणों में संघर्ष सभी साधु के चरणों में मंच पर समाज के गणमान्य महानुभाव, इस प्रांगण में उपस्थित सभी श्रेष्ठीगण माताओं बहनों, मुझे लगता नहीं कि बोलने का समय अब है, पराशर दिया है तो मैं दो शब्द जरूर सरकार कहना चाहूंगा। मुझसे दो मिनट, दो मिनट, कोई शायद अरे भाई दो मिनट को
अभी स्वीकार नहीं करें किसी कर दो। हाँ बीच में अंतराल डालो पाप लगेगा। हाँ महेश जी सब कोई दो। हाँ चलो बोल दो। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो आज अपने यहाँ वक्तव्य दिए हैं उसमें कई बड़े अहम प्रश्न समाज के सामने उभर कर आए। बंधुओं मुझे पता नहीं आपने उस बात पर कितना ध्यान दिया या नहीं दिया कि आज सभा के प्रारंभ में आचार्य श्री बोलते हुए भावुक हो गए। क्या हमने इस पर विचार करने का प्रयास किया कि वो भावुकता क्यों हुई? मेरी ऐसी सोच है कि वो भावुकता हुई सोच को इस चीज को देखकर कि भगवान महावीर के इस देश में हिंसा का तांडव हो रहा है। भगवान महावीर के इस देश में हिंसा का तांडव हो रहा है। भाई भाई को खाने को तोड़ रहा है। जो कुछ भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इनको रोकने के लिए जैन समाज आज एक बार फिर भगवान महावीर के अहिंसा के नारे को किस प्रकार से जन जन तक पहुंचा सकता है उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। उसके लिए समाज को उठकर आगे आने की आवश्यकता है। दूसरा विषय आया कि समाज का आज के दिन और इस क्षमावली के पर्व पर क्या रोल हो? क्या समाज एक सुई और धागे का कार्य करना शुरू करें या कैंची हाथ में लेकर जैसे चल रहे हैं उस प्रकार से चलते रहे? आज की दिन आवश्यकता है समाज के अंदर भी और समाज के बाहर भी सुई और धागा हम अपने हाथ में लेकर चले। अपने भाई को भाई से जोड़ने का प्रयास करें। समाज को समाज से जोड़ने का प्रयास करें। और जो समाज के हमारे तरह तरह के रिक्तन होते जा रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वह भी सोचने का एक विषय। तीसरी बात गुहारा जी ने कही, बहुत सुंदर बात कही कि जैन समाज का अस्तित्व आज किस किनारे पर खड़ा हुआ है। करते हम सब कुछ हैं, हम देना सीखे हैं, मांगना नहीं सीखते हैं, हाथ पसारना नहीं सीखते। और यही एक मुख्य कारण है कि राजनीति के क्षेत्र में तन मन धन तीनों चीजें देने के बावजूद भी जैन समाज का अस्तित्व नहीं। क्या हम ये विचार कर सकते हैं? क्या यह संकल्प ले सकते हैं कि एक बार तो कम से कम हम ये प्रण ले संकल्प ले कि जैन समाज उस पार्टी का सपोर्ट करेगी जो जैन समाज के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक टिकट देंगे, जो जैन समाज की पहचान बनाने के लिए तैयार हो। क्या उससे आगे एक कदम चले कि कुछ क्षणों के लिए कुछ दिनों के लिए भूल जाएं कि हम किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं बीजेपी का हूं, बीएसपी का हूं या कांग्रेस का हूं। हम ये संकल्प ले लें कि मैं तो जैन हूं और जैन बंधु सामने खड़ा है तो मुझे उसको जितवाना है। और अगर ये निर्णय हम ले लेंगे तो मेरा यह भी मानना है कि हमें किसी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं है। जहां जिस क्षेत्र में जैन खड़ा हो जाएगा, जैनों की आज भी इतनी ताकत है कि जिस क्षेत्र में भी वो खड़े हो जाए वो अपने प्रतिनिधि को जितवाकर ला सकते हैं। चाहे जैनों की संख्या वहां पर हजारों में हो, वह संख्या हजारों में नहीं लाखों में है, क्योंकि कहीं जैन जो है वो व्यापारी है। व्यापार जो करता है उसके साथ एक नहीं आज हजारों जैन भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो सब कुछ सोच थी। और इसके साथ ही क्षमा वाणी के इस पल पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि क्षमा हम दिखावे के लिए मांगे या हृदय से मांगे। जो अभी माता जी भी बात कह रही थी कि क्षमा और क्षमावली इसका महत्व समझने की कोशिश करें। दस लक्षण पर्व के दस धर्म हैं। उन दस धर्म में आप ये देखिए कि क्षमा धर्म को सबसे पहला स्थान मिला है और क्षमा वाणी को दस लक्षण पर्व समापन करने का एक मौका मिला है।
और उसका हमें पूर्ण रूप से उसका महत्व समझना चाहिए, हृदय से उस बात को समझना चाहिए और क्षमा का मतलब भी समझने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा जो शब्द है इसके बारे में आपने देखिए दो शब्द हैं, छह और क्षमा। छह का मतलब किसी चीज को छह कर देना और उसमें मामत्व को पैदा कर देना। अगर हम अपने मन में कहीं जो किसी के प्रति मलिनता आई है उसका क्षय कर दें और मामत्व पैदा कर दें तो उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती, पहली बात। इसका दूसरा रूप देखिए, क्षमा शब्द जो है इसमें क्षय में बुंदी लगी हुई है, जब क्षय लिखते हैं तो उसमें बुंदी है। और माँ जो शब्द है संस्कृत में उसका मतलब है निषेध, अपने मन में कोई भी किसी प्रकार की बुंदी लगा देना उसका निषेध है और वही क्षमा है। परंपरा से ही सामाजिक सेवा का जो राह है और सुधीर जी के पुत्र मधु है और इन्होंने वैसे वरिष्ठ महिलाएं वरिष्ठ महिला मंडल की अध्यक्ष मंत्री बहुत सक्रिय है, काफी उम्र है और वो बहुत अच्छा आशीर्वाद देती है और ये महिला मंडल की अध्यक्ष और इनकी मंत्री अभी ये बोल रहे हैं इनके बाद में अभी इनको बुला रहे हैं जो बच्चों के प्रोग्राम पर्यूषण क्रम में दिए और आज जो आपने प्रोग्राम बच्चों का क्षमा का देखा और विश्वमित्री का देखा, ये महिला मंडल की अध्यक्ष और श्रीमती राखी जी इन दोनों का बड़ा अच्छा और इनकी साथी बहने तो अभी ये बोल रही है और अभी समाज की ओर से यहाँ पर अभी इनका सम्मान होगा। समय बिल्कुल प्रोग्राम समापन पर है और इसके साथ में मॉडल को रोहिणी की रेखा जी और शक्करपुर की लिली जी हो तो बोली थोड़ी देखते यहाँ पर है दो मिनट पर बोलिए। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। अभी सब क्षमा पर बोल रहे हैं तो मैं उसी पे कहना चाहूंगी, क्षमा क्षमा सब कह रहे क्षमा करे ना कोई, क्षमा अगर धारण करे तो वह कहाँ से होए। क्षमा शब्द बोलने में जितना सरल है इसे आचरण में उतारना उतना ही कठिन है। क्षमा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसकी सहायता से संसार के हर प्राणी को हम अपने वश में कर सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को क्षमा का पाठ नहीं सिखा सकता, जैसे अग्नि दूसरों को शीतलता नहीं प्रदान कर सकती। यदि वास्तव में जीवन की बगिया को हरा भरा बनाना है तो क्षमा और त्याग की साक्षात मूर्ति जैन मुनियों की वाणी के ज्ञान रूपी जल से हृदय रूपी भूमि का सिंचन कर लेना चाहिए, तभी आप क्षमा को अपने आचरण में उतार सकेंगे। इन्हीं भावों को मैं एक कविता के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। विगत वर्ष से तुमने इससे जोड़ा कितना नाता है, यह पर्युषण पर्व आपसे यही पूछने आता है। क्रोध किया तुमने कितनों का, क्षमा कहाँ तक छाई है, कितनी बार सबल होकर तीनों पर दया दिखाई है। मान त्याग तुमने कितनों का, अब तक मान बढ़ाया है, सच बतलाना धन के पीछे सत्य कहाँ तक टाला है। लोभ त्याग तुमने क्या सचमुच मन का मैल निकाला है, विषय वासना की जब प्याली तेरे सन्मुख आई है, मन की दुर्बलता पर बोलो कब कितनी जय पाई है। तब से किया किनारा है या जुड़ा अभी तक नाता है, यह पर्युषण पर्व आपसे यही पूछने आता है। त्यागा तो तुमने क्या त्यागा, यह संसार असारा है, पर अपना ही लोभ मोह मत बदला कितना छोड़ा है। इच्छाओं का थोड़ा तूने अब तक कितना मोड़ा है, या कोरे उपदेश सिंधु में अब तक रहा नहाता है, यह पर्युषण पर्व आपसे यही पूछने आता है। चकाचौंध से हटकर तुमने खुद को कितना देखा है, कितनी माँ बहनों को तुमने माँ बहनों सा देखा है। अगर रहे शून्य तो यह शत व्यर्थ न अब तुम जाने दो, शतरस बहुत पिया अब निज में निज का रस तो आने दो। केवल मंदिर की दीवारों को ना धर्म दिखाओ रे, मन मंदिर के द्वार खोलकर इसको अंदर लाओ रे। सरस पर्व ये तभी सरस है वरना नीरस आता है, यह पर्युषण पर्व आपसे यही पूछने आता है, यह पर्युषण पर्व आपसे यही पूछने आता है। धन्यवाद। हाँ देखिए सुधीर जी आए और सम्मान करें इन दोनों बहुओं का जो प्रतीक चिन्ह देकर के अध्यक्ष एमएलए मंत्री दोनों आगे आए।
नाम क्या है इसका? इंदु जैन। इंदु जैन, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, उस पर नाम नहीं है वो। श्रीमती इंदु को सुधीर जी देखिए ससुर बहू का सम्मान कर रहे हैं, तालियां तो बजा दो कम से कम। महावीर भगवान की। हाँ, श्रीमती राखी जी आए, ठीक है, श्रीमती राखी आए, तुम चला एक और तो देखिए, मॉडर्न टाउन समाज बहुत संगठित है और आज समाज का भी सम्मान नहीं और सियादवाद परिवार के कार्यकर्ताओं का भी नहीं, 9 तारीख को सबका सम्मान सियादवाद परिवार की ओर से मॉडर्न टाउन समाज के कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, मॉडर्न टाउन समाज की ओर से सियादवाद परिवार के कार्यकर्ताओं का होगा। राखी जी को कोई लाभ कोई लेके आओ, बिना नाम मांगे हैं, 5 बिना नाम के हैं, नहीं है 3 बिना नाम के हैं, अच्छी समझ के दोनों इंदू और राखी मिलके उनकी महिलाएं मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। श्रीमती नीली जैन आए, एक और लेके आओ, श्रीमती नीली, ये बहुत अच्छा जो त्रिलोक तीर्थ पर ऊपरी प्रतिमा ही देखिए, नीली जी जो त्रिलोक तीर्थ पर ऊपरी प्रतिमा बन रही है, महेंद्र कुमार जी उनकी पुत्र वधु है और ये युवा विभाग की मंत्री है सियादवाद की, और बच्चों का प्रोग्राम त्रिलोक तीर्थ का यहाँ कराया वो इनने कराया, और सकल समाज है अभिनंदन करके आज इस प्रति दिवस पर आप सबका अभिनंदन कर हम बहुत कृतज्ञ हो रहे हैं। हमारे समाज के सौभाग्य से आचार्य श्री का वर्षे लोग मॉडल टाउन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है, इसी के अंतर्गत हम विश्वभ्रातृ दिवस एवं क्षमावरी दिवस मनाने का सौभाग्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। जैन धर्म मूल रूप से विश्व मैत्री का एक धर्म है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। समारोह में हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, श्री गुहारा जी, श्री विजय गोयल जी, श्री सुरेंद्र जी इसमें पधारे, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, और हमारे समाज के जो भी विशिष्ट अतिथि और कार्यकर्ता हैं उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और आगामी 9 नवम्बर को एक कार्यक्रम मॉडल टाउन शालीमार पार्क में होने जा रहा है जिसमें आचार्य श्री के जन्म जयंती, निर्वाण दिवस, पीसी परिवर्तन और चतुर्मास समापन का कार्यक्रम होगा, उस सब के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सब उसमें जो है आकर के दर्शन दें, आपके आने की और पुण्य लाभ लें। देखिए सुधीर जी अभी आभार व्यक्त आपके बीच में कर रहे, श्री सुखनंदन कुमार जी जो अभी ट्रस्ट के सेक्टर ग्रुप के अध्यक्ष बने हैं, सियादवाद परिवार का पूरा कार्य वहीं से चलता है, सुधीर जी उनका सम्मान करेंगे, अशोक जी, आलोक जी सम्मान सुनिए। देखिए बहुजन व्यवस्था में किसी बहन का कोई सम्मान करेंगे, गले का सहक अगर किसी को मिला हो तो सुखनंद जी का सम्मान कर रहे हैं सुधीर जी, नहीं देखिए भैया हाँ देखिए, और ये प्रोग्राम अभी कार्यकर्ता बहुत लोग आए हुए हैं सियादवाद परिवार के दिल्ली के बाहर के, और राकेश जी आपको और आप सबसे निवेदन है कृपया आप भोजन ग्रहण करके जाए, ये मॉडल टाउन समाज की तरफ से हाँ इसकी व्यवस्था की गई है। सुधीर जी गोलचा जी एकता के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सुधीर जी गोलचा जी को भूल जाइए हमारे पुराने आपका भोजन करके जाए, मॉडल टाउन जैन समाज की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सबको निमंत्रण है भोजन करके जाए, धन्यवाद। आप सभी आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि 9 नवंबर को मॉडल टाउन में नवीन जी का कार्यक्रम होगा गुरुवार के जन्म जयंती दिवस पर, आप सब पुनः उसमें आकर हमें अपना सहयोग दें, धन्यवाद। त्रिलोक तीर्थ के लिए भी बहुत अच्छी क्या घोषणा हुई है,
9 तारीख को सबका सम्मान किया जाएगा। कई फाउंडेशन मेंबर और चीफ विद्यालय की स्वीकृतियाँ कई प्राप्त हुई है। आज समय अधिक होने से वो प्रोग्राम ही रोका जा रहा है और 9 तारीख को इसमें मॉडल टाउन समान के कई लोगों ने महानुभावों ने त्रिलोक तीर्थ के लिए वहाँ के महिला मंडल ने वहाँ के अध्यक्ष मंत्री ने वहाँ के कई कार्यकर्ताओं ने अच्छी अच्छी घोषणाएं की है कि 9 तारीख के समारोह में शादवा परिवार की ओर से सम्मान किया जाएगा। त्रिलोक तीर्थ महामृत्युंजय अभियान के मुख्य पात्रों का सम्मान आज नहीं हो पाया, वह भी अभी तक आदेश उठ करके अगर चयन है तो सबसे पहले रघोकार महामंत्र का
स्मरण करता है। हमने तो इस पर कई गीत नमोकार पर लिखे हैं और लिखा है प्रातः उठ प्रतिदिन नमोकार बोलिए, नमोकार बोल कर अपना मौन खोलिए। मने हमें अपना मुंह मौन नमोकार मंत्र पढ़ते हुए खोलना चाहिए। ऐसो ये ऐसा पंच नमस्कार मंत्र जिसका 51 लाख जब आप प्रारंभ करेंगे। हाँ नमस्कार हो एक गंदो सके ओम नमो नमस्कार नमस्कार नमो 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 और आपको जब सभी देंगे अध्यक्ष महोदय जैसा भी जब दे दो सकते के ऊपर श्रद्धा विश्वास आस्था रखते हुए जैसे सीजन में आप पैसा कमाते हैं परिवार के लिए जिससे आपकी कोठी बनती है बंगले बनते हैं काम चलते हैं, इसी प्रकार ये धर्म का सीजन है, पुण्य संचय का सीजन है। आप जितने भी लोग बाहर के हैं और बाहर भी बैठे हैं वह भी कम से कम एक एक माला अवश्य फेरे, बहुत जल्दी न करें। एक गाने पर पूरा मंत्र बोलना है रमोकार मंत्र, और अगर आप ये बोलेंगे मन में बोले नहीं रमो रमकार रमो सिद्धार रमो आइडिया रमो छाया रमो लोए सब, अगर ऐसे आपने बोल लिया तो फिर दो और फिर एक तो आपको 100 गुना फल मिल सकता है। और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे एक माला 5 मिनट में शांति से होती है ऐसा जपने वाले कहते हैं, तो आप कम से कम 11, 25 दो और 4, 10, 12 ऐसे माला बिल्कुल भी न जपे। शाम का आंकड़ा जब आपका हो तो वह पूरे पर बंद न हो। जाप शास्त्र में मंत्र शास्त्र में शांति जब में पूरा जब नहीं एक जाता हो, और एक ध्यान रखें जब आप माला का उल्लंघन करें यहाँ से शुरू करें जब माला पूरी प्रारंभ करें सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः एक प्रारंभ में और अंत में आप बोलते जाएं। और एक ध्यान रखें ये 3 गाने इनका उल्लंघन न करें तो बहुत अच्छा होगा, जहाँ पूरी होती है वही चित्र दौरान है। तो ये जब भी इस प्रकार से आप जब करते जाएंगे और जब ये माला यहाँ पूरी होगी तो पुनः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः होके वहीं से वापस कर देंगे और इस प्रकार से जब का आप शुभारंभ कर देंगे। ये गेरू का प्रति तीन गाने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः बनाते हैं कि हमें भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। और ये भावना वंदनाशनी होती है, महामंत्र का जाप संपूर्ण पापों का विनाश करता है, पुण्य से आपकी धूली बढ़ती है। और संसार में दो ही चीजें पुण्य और पाप, अगर आपके पक्ने पुण्य समन्त पदस्वामी कहते हैं यदि पाप निरोधो निसंपदा की प्रयोजन यदि पुण्य आत्मवस्थ्य संपदा की प्रयोजन, अगर आपके पल्ले पुण्य सारा जमाना आपका दुश्मन बन जाए फिर भी कोई आपका पान माका नहीं कर सकता है, और पाप कर्म का उदय तो कोई भी आपका रक्षक नहीं बन सकता। चक्रवर्ती जैसे
रमो काल मंत्र का अपमान करके नरकों के भाजन बन गए और रमो काल मंत्र का सम्मान करके अनंत आत्मा परमात्मा पद के रास्ते पर चले गए। तो आप जो भी बने आप मंदिर में 10 मिनट को आए, माला फेर के जाए, जब आपको समय हो सुबह दोपहर शाम को अपनी व्यस्तता में से और रेस्ट करने के समय में से थोड़ा थोड़ा समय बचा के आप रंगोकार मंत्र का जप अवश्य करें। आप सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। एकाग्र चित्त से जप करें, जितना जप करेंगे उतना अधिक होगा। कार्ड और नाते सबको दे दें। आप जो माला फेर रहे हैं उसे पूरी करेंगे और उसके बाद में आरुति होगी लघु मंत्र की और प्रतिदिन सुबह पूजन अभिषेक और आरुति प्रतिदिन 9:30 बजे पूरा करेंगे मंत्र की। आप जो माला भी फेर रहे हैं शांति से पूरी करेंगे, यही भावना भाएंगे। सर्वे भवन सुखना, सर्वे भवन निरामया,
हे भगवान सब आप सुखी हो गए, अनंत गुणों की आपने प्राप्ति कर ली, आपका नाम लेने मात्र से, आपकी स्तुति भक्ति करने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। आपके समोषण में आपकी द्वादशांत वाणी सुनकर अनंत जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, जगत्रय की त्रिवेणी में स्नानीभूत होकर अनंत आत्मा परमात्मा बन गए, ऐसा ही परमेश्वर की वाचक महामंत्र जो हमें परम पद की प्राप्ति कराएगा, परम सुख समृद्धि की प्राप्ति कराएगा। जिनकी मालाएं अधूरी हैं वो पूरी कर लें, नई माला प्रारंभ आरती के बाद करेंगे। ये आरती हम दिलाएंगे, हम मंत्र बोलेंगे, जब हम नमः बोलें तब आप सुहा बोलते हुए पुष्प क्षेपण करते जाएंगे अपनी थाली में। हम नमः बोलेंगे, आप एक स्वर में सुहा बोलेंगे और ये आरती सुहा स्वस्ति ये कल्याण का प्रतीक वैज्ञानिक शोध में सुहा का जो उपचार है अंतरंग के प्रदूषण को, अंतरंग के विकारों को ये बाहर निकालने में सहयोगी बनता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में पूजन भक्ति में सुहा शब्द का प्रयोग आता है और एक सुहा का अर्थ एक ही होता है कि हमारे जो विकार हों वह भस्म हो जाए, रत्न त्रय जागृत हो जाए। तो आप सभी आहुति के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़े थोड़े पुष्प एक देखना, ऐसे नहीं करें, हम प्राय करके ऐसे देते हैं। पुष्प क्षेत्र की परंपरा यह है, सीधे हाथ से हम ऐसे का क्षेत्र करें, कष्ट बहुत होगा, इसमें तकलीफ होगी आपको, ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे कोई तकलीफ हो सकती है पर आपको सोगना मिलेगा। ऐसे करोगे तो सोगना, पाप ऐसे नहीं बनेगा, परंतु ऐसे करोगे तो सोगना और ऐसे करोगे तो नोगना। अब आपको लेना है कि सोगना पुण्य लेना है कि नोगना पुण्य लेना है। आप निश्चित पुण्यशाली हैं कि इस मंडप में बैठ करके पांच परमेश्वर जी का जप और पांच पांच बेनियां जहाँ श्री जी की निर्मित है और ऐसे पवित्र स्थान यही जब आप नीचे से पियों के नीचे करोगे, घर पर करोगे, उतना ही परिणाम बनेगी, उतना ही पुण्य मिलेगा। व्यक्ति क्षेत्र काल भाव उस समय इनका अपना महत्व होता है, समय का महत्व होता है। साधु लोग सुबह निकलते हैं आज के लिए, अगर शाम को निकले तो अच्छा मिलेगा है। तो आप समय पर जब करेंगे तो वास्तव में आपको एक विशेष आनंद आएगा। सावधान हो जाए, श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमः, ॐ लिङ्गं स्यावुषा नमः, ॐ लिङ्गं स्यावुषा नमः, 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 स्यावुषा नमः
आपके लिए जब मंडप खुला रहेगा व्यवस्था रहेगी सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक अन्य मोहल्लों से आकर के भी आप जप कर सकते हैं। जब स्थान पर ये मंत्र स्थान किया गया है शुद्धि करके यहाँ पर आप शुद्ध परिणामों से जप करेंगे आपकी मनोकामनाएं सफल होगी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और पुण्य के साथ में धर्म लाभ होगा। आप सभी की मनोकामनाएं सफल हो सुख समृद्धि हो यही सबके लिए शुभकामना आशीर्वाद बोलो पंत परमेश जी भगवान की सेवा के महावीर स्वामी की गुरुवराचार्य श्री सुमंत सागर जी महाराज की। देखिए ज्यादा प्रवचन का समय नहीं है विधान चल रहा है पंच परमेश जी विधान 51 लाख रमों का महामंत्र के जात्यानुष्ठान के अंतर समापन हो रहा है। 51 लाख के स्थान पर 10-15 लाख या और ज्यादा हो गए ये संता की बात है। भक्ति भाव से आप सुबह 6 बजे से ही परमेश जी विधान में अपना मन लगाए हुए हैं। श्रावक की भूमिका में कुंकुंद स्वामी ने कहा है दानम पूजा मुखम सावे भंगो सावे अपने अंडा। श्रावकों की भूमिका में दान और भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। समंत भद्र स्वामी ने रत्न करण श्राव का चार में कहा है देवाद देव चरणे पर चरणम सर्व दुख निहरणम काम हुए काम कहानी पर दुनिया जाते तो उत्तम। देवों के देव अरहंत देव हैं पंच परमेश जी हैं इनके चरणों की पूजा सर्व दुख निहरणम समस्त दुखों का नाश करने वाली होती है साथ से पुण्य प्राप्त कराने वाली होती है। जिन्हें पूजन का सामान करने लिए प्रभु के लिए भक्त कहता है मुझे का श्रीफल नहीं सामग्री नहीं
दरख्त की पूजा से भी ज्यादा महत्व भाव पूजा का। दरख्त हमारी कमजोरी का एक निमित्त है कि सामग्री के माध्यम से हमारे भाव लगे। एक हमारा लोभ छूटे, वैसे तो आजकल लोग करते हैं पूजन के चावल अलग और भोजन के चावल अलग। एक सच्ची घटना है, शिखर जी हम गए विधानभवन का सब चक्कर, श्रीफल लाने के गिरडी पहुंचे, बोले भाई कौन से वाले श्रीफल चाहिए, खाने वाले के पूजन में चढ़ाने वाले में भेज किया है। बोले पूजन में चढ़ाने वाला श्रीफल 40 पैसे से 60 पैसे में एक मिलेगा, पूजन वाला। खाने वाला बोले खाने वाला श्रीफल 1 रुपए से लेकर के 1.5 रुपए तक का मिलेगा। ये 1971 की बात है। हमने सोचा यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं कि खाने की चीज महंगी और भगवान की पूजन की चीज सस्ती। तो हमने सोचा, वहां से हमें बता दिया कि भाई खाने वाले पानी वाले मंजिल भी ले लिया ना और पूजन के लिए ले लिया। हमने कही दो नाम क्यों लिए जाए, पूजन के नाम पर ही पूरे नदिये ले लिए जाए तो उसी गांव में खाने कितना पैसा तो बचेगा। लोगों को आकर्षित करने आ ही जाता है कि पूजन के नाम पर सस्ते मिल रहे हैं। तो हमने कहे कि लेकर थे भाई 100 लेने के 25 खाने में 125 बिंदु। बोले थोड़े बहुत पानी वाले खाने वाले नहीं लोगे क्या? नहीं भाई, 100 पूजन को 25 में से खोल करके खाने के पानी क्या में आ जाएंगे। तो वो एक बुढ़िया थी, वो बोली बोले लाला जी ये पूजन के काम आने वाले खाने के काम आने वाले नहीं, ये तो गया तो बोला ही नहीं गया अंदर से। बोले इनमें कोई गारंटी नहीं है मुझे निकलेगा कि नहीं निकलेगा है। फिर बोले ये खाली है इसलिए तो आधी कीमत में और ये हरे हैं इसलिए दूनी कीमत में है। तो हमने कहा भाई ये तो भगवान के साथ में धोखा हो गया है। जब मालूम है खाली है तो पूजन में बोले पूजन वाले सब यही नजर लेकर के जाएंगे आधी कीमत में। अब हमने कहा भाई ये नजर तो नहीं लेंगे, नजर तो चाहिए नहीं भी पूजन को सुन नहीं के भगवान को अपने अच्छे खाओ भगवान को बुरे। तो जो बजट था उस बजट में कोई 150 ना आकर के तो 50% तो लिया है लिया है। तो वहां पर बोले भाई वो खाने वाले बोले इसमें क्या होगा जो खाने के वो चढ़ाने के। अरे खाने के तो 50 तो मिलते हैं मिलने के 50 पैसे में ये बोले 1 रुपया 20 पैसे का है। बोले बहुत बड़ी गलती कर रहा है भगवान मने के तरीके से मन चलाओ। बोले मने तो नहीं करेंगे पर चढ़ाने के 108 है इसमें कैसे काम चलेगा। हमने कि भगवान को हम मना लेंगे तो इसमें से 25 ही चढ़ा दो भगवान को पर चढ़ाओ चले। बोले ये नदियत बात इस बेटी में शरे बनाए 25-50 लिए